कहते हैं लोका कि आपने जो पिछला कर्म बिगाड़ा है वो भोगो, फिर उसके बाद तुम भक्ति करो। पैर में जूता, पैर में कांटा लगा हो और कह रहे हैं कि जूता पहन लो, कैसे जूता पहन लीजिए? पहले कांटा निकालो फिर जूता पहनेंगे ना। हमारे भाग में कष्ट है, लिखा है, मान रहे हैं, पाप है हमारा, भोग रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, कलेजा सड़ा हुआ है और बोल रहे हैं भक्ति करो। क्या भक्ति करेंगे जी? वेद में, इसी ऋग्वेद में, अभी हम दिखा देंगे, यहीं पे दिखाएंगे, इसी ऋग्वेद में लिखा है, यदि कोई मौत के कगार पे खड़ा हो, अंतिम समय से में चला गया, समय से परे चला गया हो, तो भी मैं उसे 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए बल प्रदान कर देता हूँ। क्या वेद झूठ बोल रहा है? यही कहा गया है कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। होता है आपका, पहले हम नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है गंगा प्रसाद शाह, सुगा मुदकरी, जिला धनसा। सवाल आपसे है, सतगुरु किसे कहते हैं? सतगुरु का मतलब ये होता है जो हमेशा सत्संग में रहता है, उसका शक्ति है ना, ऊर्जा शक्ति, जो काम भोग, भोग जो होता है कामदेव, उसके जरिए संसार में नहीं जाता है। उसका शरीर जो है, शक्ति जो है, ऊपर की ओर जाता है। उसका बोलना, उठना, बैठना, चलना सब शांत स्वभाव में होता है, शांतमय होता है। इसका परिभाषा जो है, आप जो दे रहे हैं कि जो सत्संग करता हो, या जो भी अभी आपने बताया, तो इस जो परिभाषा है वो आप अपने मन से बनाए हैं या फिर इसके पीछे कोई तथ्य भी है? ऐसा है, मान लीजिए कोई ये बॉल बढ़ रहा है, प्रकाश दिखाता है, लेकिन ये शक्ति कहाँ से आता है? किसी और जगह जहाँ पर जो चुंबक और पानी का पावर हाउस, उसी तरह बॉल में शक्ति नहीं है, माध्यम। हम जो बोल रहे हैं तो एक शरीर माध्यम, बुलाने वाला कोई और है, और उसको जानना, परखना, अनुभव करना, जिसके गुरु का अनुकंपा होता है, जिसके गुरु, जिसके सिर पर गुरु का हाथ होता है, वही जानता है। मेरा सवाल क्लियर नहीं हुआ, सतगुरु किसे कहेंगे? जैसे गुरु का वचन होता है ना, वचन की पक्का संकल्प, जो गुरु कह दिया उस वचन पर टिक रहना है, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन गुरु का वचन को नहीं छोड़ेंगे। सर, आपसे ये तीसरा बार पूछे हैं, तीनों बार आपका परिभाषा सतगुरु का अलग अलग। सतगुरु का परिभाषा जो सत्संग, जो सतलोक का रास्ता दिखाता है वही सतगुरु, जो सतगुरु का रास्ता दिखाता है। कि नहीं ऐसा सर, आप बताएंगे सतगुरु का परिभाषा क्या है? सतगुरु उसको कहते हैं जो आवागमन की डोर छोड़ावे, सत वचन सत लिखावे, के दुनिया की पाप भ्रम से दुविधा मिटावे, सत मार्ग का राह चलावे, इसको सतगुरु कहते हैं। कहते कि जब तक मिले गुरु ना साचा, तब तक करो गुरु दसमाचा। कहते कि अपने मुख गुरु निंदा करही, अगलो जन्म सुगर सोधा रही, रहे गुरु श्री चरी चरी ऊपर जाई, सुख सागर में रहे समाई, गुरु की नैया चढ़े जो प्राणी, खेई उतारे सतगुरु ज्ञान, उसको सतगुरु कहते हैं। जिस सतगुरु की सीढ़ी से मोक्ष की ओर जाते हैं, ये आपने जो विधान जो है, ये परमात्मा का प्रोसीजर जो है, उसको पालना करते हुए भी हम आगे बढ़ते हैं, वो गुरु का विधान, वो गुरु का प्रोसीजर होता है। सर, मेरा सवाल था जी, सतगुरु की परिभाषा क्या है? सतगुरु कहेंगे, सतगुरु का परिभाषा हम वही बता रहे हैं कि जो आवागमन की डोर छुड़ाते हुए, आवागमन की रास्ता से वो अपना, पहचान क्या है? उसका पहचान है जो अंधकार के मिटा देता है और प्रकाश मिला देता है। गुरु से जो गुरु होता है वो अंधकार होता है, रू को जो अर्थ होता है वो प्रकाश होता है, वो अंधकार से जीवों को उठाकर वो ज्ञान की प्रकाश में डाल देवे, उसको सतगुरु कहते हैं। सर, मेरा कहने का आशय ये है जी, कि अभी आप टीवी चैनल खोलिए, आस्था खोलिए, लाखों गुरु मिल जाएंगे जी, मेरे जैसे लोग सच्चे सतगुरु की पहचान कैसे कर सकते हैं जी? आज जो है ये पूरा 21 ब्रह्मांड की अंदर में ये तत्वदर्शी श्री संत रामपाल जी भगवान है, जो ये सदगुरु की रूप में आकर पालन, ये अपना आचार्य विचार ये संसार में फैला रहे हैं, सत भक्ति फैला रहे हैं। आज जो है ये पहचान करने के लिए ऐसे तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जैसे जो है ये गुरु होना चाहिए। वो संसार में जितने जो है मंडलेश्वर है,
एक गुरुजन है, एक योगी है, जोगी है, राग है, बैराग है, योग संन्यास है, जितने मंडलेश्वर है, जितने जो है, लेकिन उनमें सब में जो है तत्वदर्शी संत रामपाल जी ये महाराज है। आपने जो परिभाषा दिया जी, ये भी परिभाषा दे रहे हैं सतगुरु का जी, आप दोनों के पास तथ्य क्या है मुझे बताने के लिए, आपके पास तथ्य क्या है जी सतगुरु? आप तो मुझे जो मर्जी आएगा, सतगुरु इसे कहते हैं, वो कहेंगे सतगुरु उसे कहते हैं, आखिर कोई तो प्रमाण होना चाहिए ना। सतगुरु तो स्वयं परमात्मा को ही सतगुरु कहे जाते हैं, और जो तत्व मिलाए जाते हैं उसको गुरु कहे जाते हैं, तो सतगुरु पुनर्तो परमात्मा है, उसको हम सतगुरु कहते हैं, और जो ये संसार में जो ज्ञान ये प्रकाश जो देते हैं उसको गुरु कहते हैं। तो सतगुरु और गुरु में विश्लेषण किया जाए तो अंतर इतना है, जो सतगुरु होते हैं वो पूर्ण परमात्मा को संगी दिया जाता है, वो पूर्ण परमात्मा सतगुरु है। तो सतगुरु होते हैं वो पूर्ण परमात्मा जी, जो पूर्ण परमात्मा वो सतगुरु होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सतगुरु का मतलब होता है ये शरीर है ना, शरीर का भव सागर का, ये नौ इंद्रिया, 25 प्रकृति, नौ इंद्रिया, 6 चक्र, ये सब को पार करके एक प्रकाश की भांति दिखाई देता है, पूरे प्रकाश हो जाता है, और वो फिर शरीर में आ करके कोई गलत काम करने पर तैयार नहीं होता है। जो आप ध्यान साधना की बात कर रहे हैं उसको कहता है सदगुरु, उसका नाम नहीं है, वो न दिन है न रात है, मतलब परमात्मा से अलग है। परमात्मा का मतलब हुआ मेरा आत्मा, उसका परक आत्मा, लेकिन सदगुरु जो है भगवान बोले या परमात्मा बोले वो उनसे अलग है सदगुरु, या एक ही होता है? आत्मा और परमात्मा, आत्मा का अर्थ हुआ मेरा आत्मा, परक आत्मा, लेकिन सदगुरु का अर्थ हुआ जो प्रकाश है, निराकार है, वहाँ पर कुछ नहीं, और वही उसमें रहना, जो सदा के लिए उसमें रहता है, जिसका दिमाग में एक भी विचार नहीं चलता है कोई गलत काम का, और उसमें रह लेता है, और जो सुख उसमें मिलता है वो सुख संसारिक कोई चीज में नहीं मिलता है, जो शांति मिलता है उसमें, जो आनंद मिलता है, जो सरोवर है, ये माथा का, मेमोरी का शांत, शरीर शांत, हर कुछ शांत, जो उसमें मिलता है वो संसारिक भौतिक सुख में कुछ में नहीं मिलता है। उसको जो प्राप्त कर लेता है ध्यान के माध्यम से, और भक्ति के माध्यम से, और वचन के माध्यम से, और पारखी के माध्यम से, अगर शत्रु तरफ चलेंगे और परखी नहीं बनिएगा, अनुभव नहीं कीजिएगा, जो गुरु आपको लखाने वाला नहीं होगा, तब तक आप उस गुरु को, उस सत्य को नहीं जान सकते हैं। आप पागल भी हो सकते हैं उस मार्ग को रोकना चाहेंगे। हम पारखी भी नहीं है, आप मुझे गुरु भी करनी है, कैसे करेंगे? गुरु करेंगे तो आपको अब तो हम अननोन बहुत कुछ का जरूरत पड़ता है, स्कूल कॉलेज से निकले हैं, अब मुझे सतगुरु करनी है। ये एक दर्शन शास्त्र है, जिस तरह से बीएससी करता है, एमए करता है, कोई विभाग लेकर के, उसी तरह ये दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र पढ़ना तुरंत पढ़ना नहीं होगा, इसके लिए कुछ दिन समय देना पड़ेगा। आप चाहेगा एक ही मिनट में पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिकल और थ्योरी। सदगुरु के जिनके पास में अनुकंपा होता है, माथा पर हाथ है, ये पढ़ने के लिए कहाँ जाना? उसके लिए पाठशाला में जाना पड़ेगा। कौन पाठशाला? जहाँ गुरु की पाठशाला हो। हम तीन जो गुरु किए हैं जानते हैं, पहला तो गुरु जिंदगी खत्म हो जाएगी फिर आप क्या होगा खुद? पहले सदगुरु साहब का बच्चे जब जन्म लिए तब गला में कंठी पड़ गया, नाम का गंगा रखा, इसके बाद में वहाँ भी साहब का सतनाम का, गुरु माँ बाप का सेवा से हमको संतुष्टि नहीं हुआ, तब गए भगवान ओशो रजनीश के आश्रम में गए पुना, वहाँ पर ध्यान किए बहुत, वहाँ पर ध्यान करके फिर दो तीन रोज हुआ है, चाहे बोलिए दो तीन रोज हुआ है इसमें आए हुए, तो यहाँ भी देखे गुरु का वचन पर अधिक जोर, अगर वचन नहीं पालन करेंगे तो जार रक्सी बीड़ी सिगरेट आपको छूटेगा नहीं। दूसरा बात, राम जो कहे हैं, राम राम की तरह वचन के मानना पड़ेगा, और सत्य में रहना होगा, ध्यान करना पड़ेगा, पारखी बनना पड़ेगा, ध्यान में पारखी बनना पड़ेगा, अनुभव करना होगा, अनुभव की आँख से देखना होगा, ये आँख से नहीं, अनुभव की आँख चाहिए, परखना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ कौन देवता है, कौन देवी बैठा है, कौन भूत बैठा है, ये सब आपको बर्बाद कर रहा है, शरीर को बहुत टेंशन दे रहा। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम हमारे गुरु तो कबीर साहब,
हाँ, इसमें भी आए हैं, इसमें भी आए हैं, तो यह भी एक महात्मा है, संत है, तो मेरा तो प्रेमी है। कोई महात्मा हो तो उसे मैं गला लगता हूँ, कोई संत है उसका उससे भी गला लगता हूँ, चरण भी पकड़ता हूँ। ये परिभाषा आप खुद गढ़ते हैं या फिर आपके पास कोई प्रमाण होता है किसी भी चीजों का, सतगुरु का, धर्म का, ईश्वर का? ये परिभाषा आपने खुद गढ़ा है या फिर आपके पीछे कोई लॉजिक प्रमाण भी हो? अपने आप से कर बना है, अपने आप से बना। मेरे पीछे किसी को सुन लेता हूँ, कहीं वहाँ सुनता हूँ, कहीं वहाँ प्रश्न पूछता हूँ, कुछ मिलता है, अनुभव करता हूँ। हमारे यार कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, कि कहाँ तक सही है, कहाँ तक करना चाहेंगे सर इस पे? जी ये कह रहे हैं कि मैंने परिभाषा खुद गढ़ा है सतगुरु का, या फिर मुझे अपने अपने अनुभव के हिसाब से हम अपने आप के जी अनुभव अगर देखा जाए तो ये सरासर गलत होती है, क्योंकि हमारा अनुभव दूसरा होगा, उनका अनुभव दूसरा होगा, उनका अनुभव दूसरा होगा। अगर देखना है तो सभी ग्रंथ जो आज से नहीं आद से है, जितना भी वेद शास्त्र कुरान बाइबिल गुरु ग्रंथ है और धर्मों का ग्रंथ है वो सत्य है। अगर उससे मेल खा करके अगर आपका अनुभव चल रहा है, उसे दिखा रहे हैं प्रमाण कि ये प्रमाण है, तब तो सही है, नहीं तो आपका अनुभव सरासर गलत है, इसमें कोई दो राय। तो सर आपसे एक सवाल होगा, गॉड इसे बोलते हैं, गॉड भगवान ईश्वर, कितना गॉड है? गॉड दो नहीं होते हैं, तीन नहीं होते हैं, एक है। जब गॉड होते हैं एक भी नहीं होते, दो भी नहीं होते, उसका गिनती नहीं होता है गॉड का। जब निराकार में मिल जाता है ये जो शक्ति, तो वहाँ पर कोई एक दो गिनती में गॉड नहीं आता है। फिर कितनी शक्ति, कितनी गिनती नहीं करेंगे उसको, गिनती नहीं कर सकते। मान लिया वेद में जो है ना, वेद को भी पढ़िए, वेद में भी भेद है। किसी के घर में चोर ढुकता है तो कहता है कुत्ता ढुका है। अपना अपना मजहब में, अपना अपना धर्म में कुछ गलती बात छुपाता है सही बात को, और उसको सही बना करके दूसरों को दिखाता है। इसलिए जो पारखी है ना, परखता है ये क्या सही बोलता है, क्या गलती बोलता है, उस पर सोचता है, विचारता है, अनुभव करता है, तब निकालता है। गंथन मंथन जिस तरह समुद्र को मंथन करता है, उसी तरह शरीर में सबको मंथन करके जग, इस शरीर में ध्यान का मतलब होता है जग, जितने गंदगी सबको छोड़ करके और सुरता को ध्यान को उसमें लगा देंगे तब वास्तविक जग होगा। लेकिन लोग दूसरा रंग का जो करता है। हमारे गुरु कबीर साहब, सही बोल रहे हैं, कबीर साहब ध्यान साधना को बताते थे। क्या कबीर साहब? क्या ध्यान? ध्यान साधना को बताते थे कि ध्यान करना चाहिए। ध्यान नहीं करेंगे तो ये छह चक्र है ना, ये छह चक्र को पार नहीं कर सकते हैं। ये चक्र में, छह चक्र में विष्णु है, लक्ष्मी है, क्या कहते हैं ये, ब्रह्मा है, सावित्री है, गणेश है, दुर्गा है, यानी कि देवी, देवी का अनेक रंग का रूप है और देवता का भी अनेक रंग का रूप है। किसी किसी को भूत पकड़ता है तो पहले भूत बोलता है, सारे बात जो बता रहे हैं, जब भूत जाता है, भूत जाता है तब देवता आता है। ये मन जो है ना बहुत भारी भूत है, किसी को पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है, धामी के पास जाना पड़ता है। और यह भूत जब गुरु के पास जाएगा, गुरु के वचन मानेगा, ध्यान करेगा, तो भूत असली असली चला होगा तो भूत के सामने नहीं टिक सकता, और नकली होगा तो और बहुत भूत पकड़ेगा, देवी पकड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे इसके? जी हम कहना चाहेंगे जो जैसे अभी बताया गया था अनुभव के बारे में, तो ये अनुभव जैसे अभी ये बता रहे हैं कि छह चक्र है, जबकि एक नहीं, हम आपको यहाँ दो चार दस ग्रंथों में प्रमाणित करके दिखाएंगे इस शरीर में आठ चक्र है, छह नहीं है, आठ है, यही अनुभव गलत साबित हो गया। दूसरा चीज जो ये बता रहे हैं गुरु, गुरु अपने से हमको परखना होगा, जीव की बस की है परख करना? यहाँ है कोई जो कह दे कि हम परख के बता दें? तो हमने भाई कॉलेज लाइफ में निकला और हम कैसे परखेंगे? परख का मुख्य उद्देश्य है हम अपने ग्रंथ को ढूंढेंगे। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि वो गुरु कौन होगा, उसका पहचान क्या होगा, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, हर जगह बताया गया है। गीता के अध्याय 4 का श्लोक 23 में साफ कहा है कि उस तत्वदर्शी संत के पास जाओ। गीता अध्याय 15 का श्लोक 1 में कहा है कि जो उल्टा वृक्ष के बारे में बता देगा वही तत्वदर्शी संत होगा। कबीर सागर में लिखा है कि वो जो तत्वदर्शी संत होगा उसका चार लक्षण होगा, सबसे प्रथम ही सारे वेदों को खोल के दिखा देगा, वो तत्वदर्शी संत है। वेदों में लिखा है, यजुर्वेद में लिखा है, अध्याय 19 का मंत्र नंबर 25, 26, 30 में लिखा है
कि वो गुरु का पहचान, वो गुरु जो होगा तीन समय की भक्ति करवाएगा, सुबह पूर्ण परमात्मा की, दोपहर सभी देवताओं की सत्कार की, और शाम का सबका आरती करवाएगा। वो गुरु उसी को अपना शिष्य बनाएगा जो अभक्ष पदार्थों का सेवन न करने का आश्वासन देता हो, वो प्रमाण है। अभी भगत जी बोल रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, वेद में स्पष्ट लिखा है परमात्मा साकार है, अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है, दिखने वाला देखता है, दिखाई देता है, ये अनुभव सरासर गलत है। वेद जो कहेगा वो हम मानेंगे, अनुभव हम किसी को देंगे, हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं, एकदम दिखाएंगे, सारे वेद में लिखा है, अभी हम दिखाएंगे वेद, लाइए ऋग्वेद, ऋग्वेद लाइए, हम दिखाते हैं, उसमें साफ स्पष्ट लिखा है कि राजा के समान बैठा हुआ है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र नंबर 1-2 में अभी लिखा है, लाइए ऋग्वेद, हम दिखाते हैं। निराकार कैसे है, अब ये प्रूफ करेंगे कि निराकार कैसे है। ये रहा ऋग्वेद, देखिए फोकस इस पे दीजिए, पहले ये दिखाइए भाई ऋग्वेद, यहाँ स्पष्ट लिखा है, जो सर्व उत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप सद्गुणों को वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, राजा के समान दर्शनीय है। दर्शनीय है जब राजा के समान देखने वाला है तो फिर निराकार कैसे हुआ, ये वेद कह रहा है। फिर इनका अनुभव कहाँ से हो गया कि निराकार है, ये स्पष्ट वेद कह रहा है कि वो राजा के समान दर्शनीय है। अब ये प्रूफ करे कि कहाँ बताया गया, क्या कहना चाहेंगे सर, ऋग्वेद ऋग्वेद में लिखा हुआ गलत है कि आप सही है? एक मिनट, जब किसी के माथा में भूत आता है, चाहे देवी अवतार, उसको देखता है कोई, अनुभव करना पड़ता है, लेकिन वो देवी उसको कितना छटपटाता है, कितना खिलवाता है, कितना करवाता है, कोई देखा है उसको? उसी तरह सतगुरु है ना, हमारे शरीर में आता है, आत्मा में आता है और जाता है, जिसका अनुभव है। आपको कैसे होगा, आप सत्संग नहीं किए हैं, आप ध्यान नहीं किए हैं, आप वचन नहीं किए हैं, आप सफा नहीं हुए हैं। जिस दिन आप सफा हो जाएंगे, सत्संग कैसे करेंगे? एक मिनट, जिस दिन आप सफा हो जाएंगे, जिस तरह से बादल जो गर्म होता है तो वहाँ कहाँ से मेघ आकर बरसता है, गर्मी नहीं होता है तो बरसता है, उसी तरह आप जब तक व्याकुल नहीं होंगे परमात्मा को पाने के लिए, जब तक आप सफा नहीं होंगे, वचन से, कर्म से, सत्य से सफा नहीं होंगे, इस शरीर को सफा नहीं करेंगे ध्यान के माध्यम से, वचन के माध्यम से, सत्कर्म के माध्यम से, सत्य से, तब तक आपके भीतर में परमात्मा वास नहीं लगा, सतगुरु नहीं आएगा, उतना क्षुद्र नहीं जो आपके पास में घर घर में घूमता रहेगा, जहाँ पर कुत्ता बिलाई नहीं कहते हैं, गंदा, तो कितना परेशान होना पड़ेगा इसके, बहुत तपस्या करना पड़ता, जन्म जन्म तपस्या करना पड़ता है, तो प्रमाण दीजिए ना, हजारों जन्म तपस्या करता है तो प्रमाण क्या, तब उसके पास में सदगुरु आते हैं सत्संग सिखाने के लिए, दिखाने के लिए संसार को, इतना सस्ता नहीं है, वेद पढ़ लेंगे हम गुरु बन जाएंगे, पोथी परी जग मुआ पंडित भया न कोई, पोथी भी सहारा है, वेद भी सहारा है, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। सुनिए ना मेरा एक बात, सिर्फ सिंपल एक बस यस नो में जवाब दीजिए, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ गलत है या सही है, बस हाँ या सही या गलत भी बताइए। देखिए वेद को ले सकते हैं, माध्यम ले सकते हैं वेद को, लेकिन प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई कहे साइकिल चलाओ, ऐसे ऐसे चलाओ, जब तक चलाइएगा नहीं तब तक सीखिएगा, उसी तरह से तो सर ये राजा के समान है और दर्शनीय है, अब कैसे चलाइएगा? हम तो कहते राजा नहीं, हम तो कहते राजा जो है ना, जनक जी महाराज राजा थे, लेकिन उसके पास में सत्यता का गुण था, संत थे जनक महाराज, अष्टावक्र हुए, विदेही जनक जी संत थे, राजा थे लेकिन संत थे, वो सारी बात ठीक है, राजा थे संत भी थे, वो भी ठीक है, राजा भी संत बन सकता है, लेकिन बहुत से राजा का इतना संसार का जाल होता है ना, आप कैसे बात को दूसरे दिशा में ले जा रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि इसमें जो लिखा हुआ है कि राजा तो राजा के समान दर्शनीय है, ये गलत है या सही लिखा हुआ है? देखिए अब राजा में संत है, उसका पालन करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, तब मानेंगे। हम ये लोग ये सब नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, जैसा कि आप बताएं कि हमने अपने अनुभव से सतगुरु का परिभाषा गढ़ा, ईश्वर का परिभाषा गढ़ा, उसके बाद हमने निष्कर्ष निकाला कि ईश्वर निराकार। मान लीजिए कोई राजा है, उसको गाली दे देंगे, उतरत क्रोध में आ जाएगा,
वो संत नहीं है। संत का मतलब है जहाँ जाएंगे वहाँ ऑटोमेटिक कैसा भी पागल रहेंगे वहाँ पर शांत हो जाएंगे। माथा शांत हो गया, शत्रुओं की बातें करने लगे, ध्यान की बातें करेंगे, वचन की बातें करेंगे और शांत बना देगा तो समझेंगे सतलोक की आश्रम के रहने वाले सतलोक में रहने वाले राजा है। अच्छा है, पब्लिक नहीं मानिएगा, ना हम इनके तरफ है ना आपके तरफ है। मेरे जैसा युवा आज के समय में ऐसे ही भ्रमित काफी है, ऐसे ही लोगों से काफी भ्रमित है। और रोज अगर नया नया अनुभव होगा, ये भाई साहब का अनुभव होगा कल के दिन कि जो भगवान है या सतगुरु है वो अपाचे बाइक पे आते हैं, मोटरसाइकिल पे आते हैं, इनको अनुभव होगा शायद किसी तरह से आपके ऐसा मतलब लगनशील में या कुछ करते रहेंगे, अभ्यास करेंगे, कल के दिन ये अपना कहेंगे कि भगवान तो ऐसा होता है, कल के दिन वो कहेंगे भगवान ऐसा होता है। तो हमारे जैसा युवा माने तो क्या माने, संत भगवान मोटरसाइकिल भी चढ़ सकता है लेकिन उसका चढ़ना उसका चलाना कुछ और किस्म का होगा, वो होश में रहेगा। आप परिभाषा कुछ गढ़िएगा, भाई साहब कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे, ऐसे तो लगता है लाखों की संख्या में है, लाखों से कम नहीं होंगे। आखिर मेरे जैसा युवा कैसे समझेंगे कि सही कौन है और गलत कौन है? आपको भ्रमित करने का अधिकार किसी को नहीं है। मैंने अपने चैनल के माध्यम से 2-3 वीडियो बनाया था और उसके बाद कुछ सवाल आया था, मैंने अपने यहाँ पे आकर इनके फॉलोअर से मैंने डाउट क्लियर किया, सारे सवाल का इन्होंने जवाब दिया। मेरा कोशिश सिर्फ ये है, हम भी बचपन से कुरान शरीफ पढ़े हैं, बाइबल का अध्ययन किए, जितना जो होगा बिना गुरु के करी, बिना गुरु के, ठीक है। इसके बाद हमने निष्कर्ष निकाला कि भाई अभी भी इसमें अध्ययन करना चाहिए, जानना चाहिए, और ये जिज्ञासा के कारण ही हमने यहाँ पे आने का प्रयास किया और आपसे भी सुनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप अब कुछ करिएगा, वो कुछ करेंगे, तो ऐसे तो हम तो मेरा तो वैसा ही रह जाएंगे। आप संत का पहचान का बात कहते हैं कैसे होगी, तो वो तो आप पर निर्भर करता है, आप कैसे जानिएगा, कैसे पता लगाइएगा। सर मुझे एक आखिरी सवाल है आपसे, आपसे दोनों से सवाल है कि मेरे जैसा युवा इस भ्रमित संसार से जो भ्रमित फैला हुआ है, आए दिन देख रहे हैं कि नए नए गुरु जी आते हैं, नए नए बाबा पैदा हो रहे हैं, ऐसे बाबाओं से कैसे हम पहचान कर पाएंगे कि सही क्या है गलत क्या है? जी जी, जैसे आज हम लोग अभी जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं लोग, कोई अपना मंत्र ये करो, कोई वो करो, कभी वो करो, ऐसे कुछ दिन पहले ऐसे न्यूज़ पे एक वीडियो भी डाला गया था कि कोई अपना अपना मंत्र बना रहे हैं। अगर कल को कोई आए और ये कहे कि ओम अमेरिका है नमः, ये जाप करो इससे मुक्ति हो जाएगी, तो ये मानने योग्य नहीं है। इन सभी के लिए अगर हमको जानना है मानना है तो हमारे जितने भी धर्म है ऑल धर्म का ऑल ग्रंथ, उन ग्रंथों में देखना होगा, क्योंकि बगैर टीचर का हम सिलेबस नहीं पढ़ सकते हैं। तो वो टीचर, वो गुरु बताएगा, और जो प्रमाणित गुरु हो जिसको वेद ग्रंथ बता रहा है उसके अनुसार उस गुरु के पास जाएंगे, क्योंकि गुरु का बताया गया है कि गुरु के बारे में बिल्कुल बताया गया है कि जो सतगुरु होगा, सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बयन विनोद, चार वेद सट शास्त्र कहे 18 बोध। ऐसा नहीं है कि हम अपने अनुभव से किसी को गुरु बना लेंगे, वो गुरु का पहचान है कि यहाँ इस धरा पे जितनी धर्म है अव्वल धर्म का अव्वल ग्रंथ, चाहे वो कुरान हो, गीता हो, बाइबल, गुरु ग्रंथ, जो भी धर्म है, उस धर्मों का सभी ग्रंथों का जो पूर्ण ज्ञाता होगा वही तत्वदर्शी संत है, और उसी संत के शरण में जा करके उस ग्रंथों के में ढूंढेंगे, उनके बताए अनुसार ढूंढ करके, और जो मंत्र हमें मिलेगा, जैसे गीता में बताया गया है कि ओम तत्सत इति निर्देशे त्रिविधे ब्रह्मणे, ब्रह्म को पहचाने का 3 मंत्र है और वह ब्रह्म 3 है। गीता स्पष्ट कर रही है कि क्षर अक्षर परम अक्षर 3 ब्रह्म है, वेद कह रहा है कि वह परमात्मा साकार है, तीसरे मुक्ति धाम पे विराजमान है। अगर वो निराकार है तो फिर कहीं नहीं होगा, अभी वेद में क्लियर हम दिखा देंगे कि वो तीसरे मुक्ति धाम पे बैठा हुआ है, राजा के समान दर्शनीय दिखाए, ये भी दिखा देंगे कि वो तीसरे मुक्ति धाम पे बैठा हुआ है। अपना अनुभव जितने भी धर्म गुरु लाएंगे वो सरासर गलत है। आज सोशल मीडिया न्यूज पे संत रामपाल जी महाराज ने बोल दिया है कि सबको ऑनलाइन रखूंगा, या तो आपके पास अगर सच्चा ज्ञान है तो आकर शस्त्रार्थ करो, और नहीं तो हम ही भरो कि हम गलत जगह पे जा रहे हैं।
भक्ति करो एक परमात्मा की, एक परमात्मा की भक्ति करो और एक जगह सबको चलना है। जगत को भरमाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आज वो ज्ञान का खुला हो चुका है। आज तक सभी लोगों ने उलझा के रखा, नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसे सुलझा दे फिर उलझे ना दूजी बार। आज सात सवाल है, मैंने बचपन से देखा हमारे मुस्लिम भी मित्र रहे हैं, ईसाई भी कुछ लोग हैं जो हमारे मित्र हैं, सब लोगों ने कहा कि यार तुम भले अलग हो या हम अलग हैं, लेकिन बनाने वाले हम सबको भगवान एक है। ठीक है, बोलता तो जरूर है, लेकिन वो कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, कोई कुछ करते हैं, हम लोग कुछ कर रहे थे, ठीक है, सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन बोलने का सब लोग बोलते हैं कि भगवान एक है और सब अलग अलग रास्ते से चल रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग से रास्ते से चल रहे हैं, आखिर वो भगवान एक है कौन? वो एक भगवान कबीर साहब है, क्योंकि वेद में लिखा है, पहले लीजिए, ये कुरान शरीफ है, देखिए कुरान मजीद तजुर्मा फतेह मोहम्मद खान साहब चलन, ये हिंदी अनुवाद है, देख लीजिए हिंदी में लिखा है, यहाँ लिखा इसका हिंदी है। जी बताएं आप, जी तो क्या फोकस कीजिए, अलीवल कबीर अल्लाह कबीर स्पष्ट लिखा है, कबीर एकदम ठोक बजा कर है, भगवान की जय। अभी प्रथम हुआ, इसमें हम और दिखा रहे हैं, सात सौ चौवालीस ठीक है, इसमें तो साफ लिखा हुआ है अलीवल कबीर, अलीवल कबीर अल्लाह कबीर, वही अल्लाह कबीर है जिसको वेद ने कहा है परमात्मा कबीर, बाइबिल ने कहा है कबीर माइंटी मैन, कबीर परमात्मा, कबीर भगवान, अब ये रहा बाइबिल, अभी इसमें और जगह दिखा सकते हैं, ठीक है, आपको देखना उतना, है उतना हुआ, ये पहले लिखा है, ये बाइबल होगा, बाइबल अजूर दीजिए, उसको अजूर दीजिए, दिखाई देता है आपको, जी हम देख रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, ठीक है आगे दिखाएं आप, कबीर माइंटी मैन, कबीर कबीरम कबीरम माइटी मैन, कबीर द माइटी वन, ये बाइबल में तो इस यीशु मसीह का जिक्र है, पर इसमें कबीर लिखा हुआ है साफ साफ, अगर तो कोई कबीर द माइटी कर सकता है, यहाँ पे भी लिखा है कबीर, आज अगर देखा जाए तो बता रहा है कि अनुभव बताएगा, अनुभव क्या बताएगा जी, अगर गुरु हम हमारे शिक्षक नहीं बताएंगे तो हम कहाँ से बता रहे, वो सर्वोशक्ति है, सर्वोशक्ति है, हम कैसे जान सकते हैं, हमको तो गुरु जी बता रहे हैं, वेदों में कहाँ लिखी हुई है, वेदों में, कबीर वेदस्य यहाँ लिखा है, एक जगह हुआ इसको, ये कबीर जहाँ भी लिखा है इसको ये कवि किया है, कवि मतलब सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, अर्थ में बनाया है, यहाँ है कवि होता है, एक जगह ना बहुतों जगह मिलेगा, पुस्तक जिन्होंने अनुवाद किया है दयानंद सरस्वती, इन्हीं का पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उनको लाया जाए, उसमें क्लियर किए हैं कि कवि परमात्मा को कहा गया है, लाइए उसको लाइए, इसका अर्थ भी क्लियर किया गया है, यज्ञ करने वाले जजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ और उन करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, आसान करता हुआ, वह कांतिमय परमात्मा, फिर कबीर, यहाँ कबीर है, यहाँ कवि कर दिए,
यानी वो कबीर परमात्मा विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वरणीय पुरुष को प्राप्त होता है। सभी वेदों का जो है अनुवाद किया है दयानंद सरस्वती, और इन्हीं दयानंद सरस्वती का ये पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इसमें ये स्पष्ट कर रहे हैं कु शब्द इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। यह कौते शब्द आति सर्व विद्या सह कबीर ईश्वर, जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टता है यानी सारा विद्या वो देता है, इसलिए परमेश्वर का नाम कवि है। इन्होंने जहाँ जहाँ अनुवाद किया, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लाइन से तो बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है, जहाँ जहाँ पे कवि लिखा हुआ है उस कवि का अर्थ क्या है ये यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर का नाम कवि है। दिखाएंगे जरा इस लाइन को, फिर से दिखाएंगे, लिखा हुआ है इसलिए परमेश्वर का नाम कवि है। और अभी आप जो देख रहे थे अथर कौन सा था, ऋग्वेद, ऋग्वेद में जितने जगह लिखा हुआ है कि कवि कवि जहाँ भी जिक्र है, इसका आशय क्लियर है, वो कवि का कहने का अर्थ है परमेश्वर। तो आपका अल्लाह वो ईश्वर जिसे एक कहते हैं वो एक कबीर साहब जी, वो एक कबीर साहब है, क्योंकि वही अल्लाह कबीर है, वही परमात्मा कबीर है, वही कबीर इज गॉड है, वही सबका कर्ता धरता है। और ये गीता बता रहा है, उनके नीचे तीन और है, यहाँ से मुक्ति पाने का मार्ग जो है इस सीढ़ी बाई सीढ़ी स्टेप सेवन निकलना होगा। आठ कमल चक्र यहाँ पे है, जिसमें सबसे नीचे गणेश जी, उससे ऊपर ब्रह्म सावित्री, यहाँ फोटो में भी लगा है कई जगह, गरुड़ पुराण में लिखा है, देवी भागवत पुराण में लिखा है, अथर्ववेद मंडल, अथर्ववेद मंडल 10 सूक्त 2 मंत्र नंबर 31 उसमें साफ लिखा है अष्ट चक्र 9 द्वारा, यानी ये शरीर जो है इसको 8 चक्र और 9 द्वार सीधा खुला में बनाया गया है। ये आठों चक्र में 8 देवता है, यहाँ से धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप हम इनका कमीनी देते हुए, इनका खर्चा देते हुए यहाँ से पार करके जब निकलेंगे, तब उसके बाद अगले स्टेप में जो छर अक्षर परम अक्षर गीता में बताया गया है, गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16-17 में स्पष्ट किया गया है कि छर पुरुष अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष पूर्ण परमात्मा है। गीता अध्याय 17 का श्लोक 23 में स्पष्ट है कि ओम तत् सत यानी छर अक्षर परम अक्षर, इन तीनों की भक्ति करके फिर हमें उस श्लोक जाना होगा जो गीता अध्याय 18 का श्लोक 62 में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा के शरण में जाओ जहाँ जाने के बाद सनातन यानी सच्चा स्थान जो है उस स्थान को प्राप्त करोगे। वहीं जाने के लिए हमें भक्ति करनी होगी, और वो भक्ति जब हम करेंगे, करते हुए आज के धर्मगुरु ये भी कह रहे हैं, इनका अनुभव जैसे भगत जी का अनुभव भी बता रहे हैं, तो अनुभव है, अनुभव में ये आता है, जैसे अभी बार बार देखा जा रहा है, कहते हैं लोग कि आपने जो पिछला कर्म बिगाड़ा है वो भोगो, फिर उसके बाद तुम भक्ति करो। पैर में जूता, पैर में कांटा लगा हो और कह रहे हैं कि जूता पहन लो, कैसे जूता पहन ले जी, पहले कांटा निकालो फिर जूता पहनेंगे ना। हमारे भाग में कष्ट है, लिखा है, मान रहे हैं, पाप है हमारा, भोग रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, कलेजा सड़ा हुआ है, और बोल रहे हैं भक्ति कर, क्या भक्ति करेंगे जी। वेद में इसी ऋग्वेद में अभी हम दिखा देंगे, यहीं पर दिखाएंगे, इसी ऋग्वेद में लिखा है यदि कोई मौत के कगार पे खड़ा हो, अंतिम समय से में चला गया, समय से परे चला गया हो, तो भी मैं उसे 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए बल प्रदान कर देता हूँ। क्या वेद झूठ बोल रहा है? यही कहा गया है कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं, बगैर समझे इधर उधर अपना अपना अनुभव लगा करके, और सारे जितने देखा जा रहा है आज के हिंदुओं को बर्बाद करने में, ईसाई धर्म में ले जाने, आज के जितने भी तथा कथित गुरु है इन्हीं का रोल है, इन्हीं के चलते ये मनुष्य क्या समझता है, मनुष्य क्या मान रहा है कि हम परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हमें लाभ मिलेगी, हमारा कैंसर समाप्त होगा, हमारा एड्स समाप्त होगा, जितना भी बीमारी है समाप्त होगा, अंदर तो है, लेकिन जिन गुरु के पास जा रहा है वो कह रहा है कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है, डॉक्टर के पास जाओ, कहे डॉक्टर के पास जाएंगे जी, वेद कह रहा है कि कितना भी बड़ा कैसा भी बीमारी होगा खत्म समाप्त होगा। आज वहीं संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं
कि आप हमारे बताए अनुसार हमारे मार्ग पे चलो, कैंसर का पाप भी ठीक होगा। भगवान कहने कौन है जी, भगवान कैसी बात है? इधर वेद कह रहा है, उधर संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं। बाकी दुनिया के कोई है जो एक भी कैंसर का मरीज ठीक करवा के दिखा दे अपने भक्ति से? सरासर लोगों को भरमा करके, और तब उसके बाद हमारे हिंदू समाज के जितने भी लोग हैं भाग के जा रहे हैं कहाँ, ईसाई के पास, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि इधर आओ हम ठीक कर देते हैं। वहाँ भी होता नहीं है कुछ, थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी, क्योंकि झाड़ फूक में भी पावर है, जहाँ हम लोग हैं मंत्र में पावर है। पावर क्या करता है, थोड़ा सा लाभ दे देगा, फिर उसके बाद भुगते रहो। लेकिन यहाँ जब इस मार्ग से जुड़ेंगे, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा नाम दीक्षा ले करके भक्ति करेंगे, शास्त्रों के अनुसार जब भक्ति करेंगे, तो कैंसर का पाप एक नहीं एक लाख प्रमाण आपको हर जगह मिलेगा। यहाँ कई जगह घूम के देख लीजिए, या फिर यूट्यूब पर रियल स्टोरी करके, रियल स्टोरी संत रामपाल जी महाराज, उसको सर्च कीजिए। कई सारे वीडियो देखे हैं जिसमें आपके साथी हैं या संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर कही है, उनका अनुभव हमने देखा है। आपने अभी जो देखा, इनके एक फॉलोअर से हमारी बात हो रही थी, जिन्होंने सारे तथ्यों को बताया, मेरा दो डॉट क्लियर हुआ, खास करके जो हु इज गॉड और जो कहा जाता है कि भगवान एक है, वो एक भगवान कौन है, मैंने सारे तथ्यों के साथ देखा। काफ़ी बहुत बढ़िया से इन्होंने समझाने का प्रयास किया। आपके कोई भी सवाल, और कोई सवाल होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, हमारा सब कोशिश होगा कि आपके सवालों का जवाब दिया जा सके। धन्यवाद। प्रकाश है, एक लेंस लेकर के आग लगाते हैं, प्रकाश को केंद्र करके छोटा बना है, लेंस को छोटा करके आग लगा देते हैं शीशा लेकर, लेकिन वही जब बड़ा होता है तो आग नहीं बनता। सर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, समय काफी, उस चीज को आप कैसे कहिएगा अनुभव, अब बात से मैं शब्द से मैं कैसे बताऊंगा कि परमात्मा सतगुरु कैसा है, ये शब्द में तो नहीं है, अनुभव में। सर मैं एक स्टूडेंट लाइफ से मैंने आगे आया हूँ, अभी जितने युवा यहाँ पे, अभी बहुत सारे युवा भी हैं यहाँ पे, मैं एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानिएगा, हम लोग आजकल के युवा काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, आज का जो जनरेशन पढ़े लिखे लोग हैं, आपके बातों को मैं मानने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं मानूंगा, क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है, आप अनुभव की बात कर रहे हैं, आप किसी तरह का एविडेंस पेश करिए, हम लोग मानेंगे कि हमको समझने का प्रयास करेंगे, तथ्य के साथ बात करिए तब लोग युवा मानेंगे। अभी जितने भी यूथ है क्यों मानेंगे आपको, बात बताइए। आप कह दिया कि कबीर जो है सदगुरु है, महापुरुष है, कबीर है, क्यों माने, लेकिन कोई अपना अपना भाषा में सदगुरु का नाम रखा, कोई राम रखा है, कोई कृष्ण रखा है, कोई कबीर रखा है, अनेक शब्द में वो नहीं है, अनुभव की बात है। अनुभव जिसके पास में होगा वो ही जानेगा और उसका शक्ति को परखेगा, और जिसका पास में अनुभव नहीं है, आप अपने कुछ से जो भी बोल रहे हैं उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। मेरा कहने का आशय है कि हम आपकी बात को क्यों माने। तो ठीक है, आपको जिसको बात को मानना चाहते हैं, जिस पर भरोसा विश्वास है वही कीजिए। जी जी, इनका जो कहना है अभी कि कबीर सतगुरु है, इनका कहना है कबीर सतगुरु, ये कबीर सागर है, खेमराज श्री कृष्ण प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है एविडेंस, क्योंकि आज की जो दुनिया है प्रमाण देखेगी, बगैर प्रमाण का कोई आता है वो सरासर झूठ बोल रहा है, इसमें कोई तोमत का सवाल नहीं है, प्रमाण देखिए। अगर कबीर साहब ने, सतगुरु है वही सब कुछ करते हैं, तो फिर इसमें क्या कह रहे हैं, इसी कबीर सागर में इन्होंने स्पष्ट बोला है कि जब वो समय आएगा मैं अपना अंश पठाऊंगा। यहाँ पे बिल्कुल कह रहे हैं वो कि चौथा युग जब कल युग आई तब हम अपना अंश पठाई, अंश पठाने को कह रहे हैं कि मैं अपना अंश पठाऊंगा, और जब वो आएगा काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवाह निक होई। ये काल कौन है जी, वही ज्योत निरंजन जिसको हम तीन ब्रह्म बताए थे, छर पुरुष, वही काल है। इसका जो फंदा है जिसमें हम आज आके उलझे हुए हैं, भगत जी कह रहे हैं कि निराकार निराकार, गीता जी में स्पष्ट कहा है उन्होंने कि मैं जोग माया के द्वारा छिपा हुआ रहता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, इसलिए वो निराकार है, वही ज्योत निरंजन काल ब्रह्म है। उनकी भक्ति से हम कहाँ जाएंगे, उनको श्राप लगा है कि हर रोज 1,00,000 जीवात्मा को भून के खाने की,
वो भून के खा रहे हैं, जब तक उनकी भक्ति करेंगे वही भुनाते रहेंगे। इन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं अपना अंश पठाऊंगा और उस अंश का प्रमाण भी इसी ग्रंथ में लिख दिए कि उसका पहचान क्या होगा, वो भी मैं इसी किताब में दिखा देता हूँ। अभी होगा गुरु के लक्षण चार बखाना, चार लक्षण उन्होंने बताया, उससे पहचान करो कि वही गुरु होगा, बाकी नहीं होगा। और उन्हीं की देखा देखी आज लाखों की संख्या में गुरु बन के बैठ गए। ये साफ कह रहे हैं कि प्रथम ही वेद शास्त्रों का ज्ञान है, सारा वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ जितने भी है सभी का क्लियर प्रमाण खोल के वो धर्म गुरु दिखा देगा, वही होगा। दूजे पुनि हर भक्ति मम कर्म वाणी, यानी वो भगवान की भक्ति जो करेगा वही कहेगा। तृतीय समदृष्टि समानी, उसके नजर में कोई न छोटा है न बड़ा है न राजा है न रंग है, सब बराबर होगा। चौथा वेद विधि सब कर्मा, ऐसा नहीं है कि हम अपना अनुभव पेश करते जाएंगे, पढ़ना होगा सीखना होगा। कहाँ पढ़ना होगा सीखना होगा जी, आज के समय है पढ़ने का। सीधा प्रमाण पेश कीजिए कि वो परमात्मा है, ये गुरु है, इसका पाने का तरीका ये है। दो दिन में नाम दीक्षा लीजिए, अपना भक्ति कीजिए, अपना काम कीजिए, काम करते करते भक्ति करके पार करना है। आज के समय में किसी के पास है समय जाके जंगल में बैठ कर तपस्या करने का? उसको भी सरासर गलत वही कह रहे हैं कि चौथा वेद विधि सब कर्म, ये जो हरि भक्ति मन कर्म वाणी जो वो करेगा कहेगा उसका वेदों में भी वर्णित होना चाहिए कि वो क्या मंत्र जप रहा है, कैसे विधि करवा रहा है, किस तरह से क्या कर रहा है, उसका वर्णित हर जगह वेदों ग्रंथों में प्रमाणित होना चाहिए। आज इस जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मंत्र मिल रहा है वही मंत्र, इससे पहले भी हम बताएं गरुड़ पुराण में लिखा है कि यहाँ पे आठ कमल चक्र है, उस आठ कमल चक्र में कौन कौन से देवता है उन्हीं का मंत्र गुरु जी देते हैं, मंत्र बताने का हमें पावर नहीं है। देवी भागवत पुराण में लिखा है कि इसके अंदर आठ कमल चक्र है, उसी कमल चक्र का मंत्र संत रामपाल जी महाराज देते हैं। वेद में लिखा है कि सुबह पूर्ण परमात्मा की भक्ति करवाते हैं, वो नित नियम होता है हम लोगों का। दोपहर सभी देवताओं के सत्कार के लिए रमणीय होता है, अभी थोड़ा देर पहले ही लाइव चलते हुए आरती हुआ है सभी देवताओं की। वो प्रमाण है कि ये जो है ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही है, बाकी कोई जितने भी है सब नकली। स्पष्ट सवाल है, इसीलिए तो आज पूरे सोशल मीडिया पे पूरा खुला चैलेंज दिया जा चुका है कि अगर है आपके पास तथ्य तो फिर आकर के गलत साबित कीजिए, और नहीं तो हामी भरिए, भक्ति कीजिए और सतलोक चले। यानी कि किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान, अनुभव ज्ञान, वेद से भी चलिए और अपना प्रैक्टिकल आने की ध्यान भी कीजिए और जीवन में उतारिए और अनुभव भी कीजिए सत्य क्या है, तभी सतलोक होगा। नहीं तो हम लोग हजारों जन्म जन्म चुके हैं लेकिन हमें सत्संग नहीं मिला है, सतलोक नहीं मिला है, सतगुरु नहीं मिला है। अब थोड़ा थोड़ा लगता है कि मुझे मिल गया। हाँ, इतना अब थोड़ा ही थोड़ा है, पूरे नहीं हुआ है। हम कहते हैं पाने के लिए खोजना पड़ता है, जो प्यासा है इंदा के पास जाता है। आपकी उम्र क्या हो? क्या आपकी उम्र क्या होगी अभी? पचपन साल में आपने अभी तक कहा कि हमने अनुभव से थोड़ा थोड़ा पा लिया, थोड़ा थोड़ा मात्र पाए, तो लगता है कि अब मतलब कब पाएंगे पूरा कब पाएंगे? अब वो तो जो है सो हमको अनुभव है ना, वो भी अनुभव है कि कब पाएंगे? हमको अपना अनुभव है, आपको कैसे बताएंगे? मुझे जानना ही नहीं है, जानना भी नहीं आपको, आप जानना है, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा कि कब मिल जाएगा। हाँ, तो किताबी ज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में भी आना पड़ेगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों लेके चलना पड़ेगा। खिचड़ी 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 बनाने से काम नहीं चलेगा। आज की युवा जाग गई है और ऐसे भ्रमित करने वाले बातों में कोई नहीं आएगा। आज हम देख रहे हैं सतलोक आश्रम में धनुषा में है भी हम, है यहाँ पे करीब 2 दिन से है, यहाँ पे काफी संख्या में युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं और बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है। इसके पीछे अगर कोई वजह है तो यही वजह है जो प्रमाणिक ज्ञान दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, यही वजह है आज युवा जो है इनके साथ जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।